मैं जोरदार तालियों के साथ आदरणीय महापौर जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। वह आए और बुंदेलखंड के गौरव और बुंदेलखंड की मिट्टी से जुड़े हुए यहाँ जो लोग हैं उनको अपने शब्दों के माध्यम से अनुग्रहित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय महापौर महोदय। बोलिए भारत माता की। आपको इतने अच्छे कार्यक्रम में आइसक्रीम और गुलाब जामुन खिलाने के बाद अब ये कहा गया है कि आपको रायता पिलाया जाए। अनामिका जी को आपने सुन लिया, त्रिपाठी जी को सुन लिया, लेकिन ये इंदौर के लिए बहुत गौरव की बात है कि मालवा की जो अपनी संस्कृति है। कहीं हालचाल है भैया? बैठी जा यार, तू पीछे बैठी जा, नीचे बैठी जा। अभी हमारी मालवी है, बुंदेली आपने सुन ली, लेकिन इंदौर की जो ताकत है वो ये है कि वो हर चीज़ को अपने में आत्मसात कर लेती है। यहाँ कोई गुजरात से आए तो वो गुजराती नहीं है, महाराष्ट्र से आए तो मराठी नहीं है, बुंदेलखंड से आए तो बुंदेली नहीं है। जो एक बार इंदौर आ गया और पोहे जलेबी खा लिए तो वो इंदौरी है। और इसका एक उदाहरण भी है, पोहे महाराष्ट्र के हैं और जलेबी राजस्थान की है। तो हमारा जो शहर है वो फ्यूजन का शहर है। अच्छी चीज़ों को आत्मसात करके देश को अच्छी चीज़ देना हमारा काम है। और देश के एक ऐसा क्षेत्र जिसने केवल पराक्रम, साहस, स्वाभिमान और शौर्य इस देश को सिखाया हो, चाहे महाराज छत्रसाल हो, झांसी की रानी हो, लेकिन झांसी की रानी भी जब अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ रही थी तो इस मालवा से एक आत्मघाती दस्ता उनकी मदद के लिए गया था, वो रास्ते में शहीद हुआ। तो बुंदेलखंड और मालवा का प्रेम हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं तो मालवा का लड़का हूँ, इंदौर का लड़का हूँ, तो जितने बुंदेली इंदौर में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, देश में हैं, उन सब का इस मंच के माध्यम से जो सचिन भाई ने सजाया है उनका माँ अहिल्या की नगरी में बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रतीक श्रीवास्तव जी यहाँ बैठे हैं, वो मेरे दो पीढ़ी ऊपर भाषण दिया करते थे, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया करते थे और हम जैसे कई सारे स्टूडेंट्स को भाषण सिखाने का भी काम करते हैं। डॉक्टर निशांत खरे हैं, डॉक्टर साहब सागर के हैं ना, डॉक्टर साहब ने भी सागर से आकर इंदौर की बहुत सेवा की और युवाओं का भी मध्य प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं। और दोनों ही ऐसे महान कलाकार आज इंदौर में हैं। मैं माहिल्या की नगरी में आपका स्वागत करता हूं। राहुल जी, पीयूष जी और जितने लोगों का सम्मान हुआ, ये सब इंदौर में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इंदौर को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो मैं उनका भी व्यक्तिगत रूप से अभिनंदन करता हूँ। और मैं चाहता हूं एक बार सचिन जी के लिए आप सब जोरदार तालियां बजाइए। अपनी बोली को आगे बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि जो भी भाव समझ में आएगा वो बोली से ही समझ में आएगा। मैं जितने प्रेम से, जितनी आत्मीयता से अपने घर में अपनी काकी से, अपनी माँ से बात करता हूं, उतनी आत्मीयता से किसी और से बात नहीं कर पाता हूं, क्योंकि ये बोली का महत्व है। ये शायद बुंदेली में भी होगा, मालवा में भी है, और मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा हूँ, वही भाव असमिया में भी है। जैसे शायद आपको बुंदेलखंड में या बुंदेली बोलते समय ये अनुभव आया होगा, कहा भैया वो कहाँ गओ, पूछते हैं ना। अच्छा, आपने इसमें ये बिल्कुल नहीं बताया कि आप किसके बारे में पूछ रहे हो कि वो कहाँ गया, लेकिन जवाब देने वाला एकदम सटीक जवाब देता है, अभी तो इते हतो, अभी नहीं पता किते गए हो।
वैसे ही हमारी मालवी में भी, क्यों रे वो कहाँ गया है भैया, अभी तो यहीं है पान खाने गया होगा। अब इसमें भी ये किसी को नहीं पता है कि वो कौन है और वो कहाँ गया, लेकिन बोलने वाला और पूछने वाला दोनों समझ गए कि वो आदमी कौन था और कहाँ गया है। असमिया में भी, मैं असम में रहा हूँ इसलिए मुझे पता है, आप किसी के भी घर जाके उससे पूछो हेरी कोत गोल, तो घर में जो भी होगा वो बताएगा कि हेरी बजारोत गोल, मतलब वो बाजार गया है। तो ये जो बोली का महत्व है वो इससे समझ में आता है कि बिना नाम लिए आप दूसरे के भाव और उसके मन को पढ़ सकते हो। तो ये बोलियाँ हमारी समृद्ध हों, उसकी शक्ति बढ़े, उसकी ताकत बढ़े और हम सब मिलकर भारत माता का यशगान करते रहें, यही मुझे लगता है कि सचिन भाई का भी भाव है। मैं उनके इस प्रयास का अभिनंदन करता हूँ और इंदौर बुंदेलखंड का, बुंदेली भाषा का, उस संस्कृति के उत्थान में जो भूमिका निभा सकता है आप तय करेंगे, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। ये तो बहुत छोटा सा प्रयास है, आपने मुझे इसमें आमंत्रित किया उसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद, अभिनंदन।